जंतर मंतर धरना प्रदर्शन की वजह से पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ तरह तरह की मांगों को लेकर लोग धरने पर बैठते हैं। इस समय जंतर मंतर पर जयपुर की एक महिला ऐसी मांग को लेकर धरने पर बैठी है जिसे सुनकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 सितंबर से 45 साल की जया शांति धरने पर बैठी हुई है। जया शांति देश के पीएम नरेंद्र मोदी से शादी करना चाहती हैं। जी हाँ, जया शांति का ये कहना है कि पीएम मोदी में उन्हें वो बात नजर आती है जो उनके पति में होनी चाहिए। जया को लगता है कि पीएम मोदी ये बात उनसे मिलने पर समझ सकते हैं। जया ने ये बताया कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके पति ने उन्हें 1989 में शादी के एक साल बाद ही छोड़ दिया था। वो तब से अकेली रहती हैं। उन्हें कई लोगों ने शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो पीएम मोदी से ही शादी करना चाहती हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी की शादी तो हो चुकी है तो वो आपसे शादी क्यों करेंगे, तो जया ने इस सवाल के जवाब पर कहा कि उनकी पत्नी जसोदा बहन उनके साथ नहीं रहती हैं। जया शांति ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो मोदी को दहेज में 2 करोड़ रुपए भी देंगी। ये रुपए वो अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर मोदी को देंगी। बताते चलें कि सोशल मीडिया पे लोग उनको पागल औरत जैसे अपशब्द कह रहे हैं। फाइनल कट न्यूज डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।